वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट है या जो इनका जितना भी सेटअप है इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, उसके जो टॉप 10 फैक्ट्स है, बिल्कुल जो आपको हैरान कर देंगे दोस्तों, इस तरह के मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टॉप 10 फैक्ट्स। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम कंपेयर करेंगे कि चाइना कहाँ, इनका कंपेरिजन करेंगे चाइना यूएसए का। इंडिया तो कहीं पर आता ही नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेंगे आज वो कंट्री कहाँ स्टैंड करती है और हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो के साथ बने रहिए, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेटअप है, उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स है वो शेयर करूंगा दोस्तों, जिसमें सबसे पहले निकल कर आता है जो कि बिल्कुल अमेजिंग, आप यकीन नहीं करोगे, कि वर्ल्ड की 99% इलेक्ट्रिकल बसेस जो बन रही हैं, यूज हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, दैट इज इन चाइना। चाइना में इस टाइम अकेले 385,000 इलेक्ट्रिकल बसेज यूज हो रही हैं, हर महीने 9500 नई इलेक्ट्रिकल बसेज एड हो रही हैं सड़कों पर। दोस्तों ये होता है टारगेट, ये होती है अचीवमेंट। बातों के पकौड़े तो आप समझ सकते हो कि कौन बनाता है, कैसे बनते हैं। शेंजेन चाइना की सिटी है जिसका 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल इलेक्ट्रिक है, यानी कि आपकी सारी बसेज ऑल इलेक्ट्रिक है। इसी सिटी का सेकंड टारगेट है 2020 तक जितनी भी टैक्सी सर्विस है, ओला उबर टाइप जितना भी है, ऑल इलेक्ट्रिकल करने की। नंबर थ्री, चाइना ने कब टारगेट बनाया कि 2020 तक जो उनका जितनी भी नई गाड़ियां होगी उसका 30% जो गाड़ियां होंगी वो ऑल इलेक्ट्रिक यानी कि या प्लग इन हाइब्रिड होंगी, यानी कि तकरीबन 2 मिलियन इस तरह की गाड़ियां ऐड की जाएंगी 2020 तक। नंबर फोर पर आता है जो जितनी भी वर्ल्ड वाइड लिथियम आयन बैटरीज बन रही हैं आज की डेट में, उसका 25% चाइना बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। नंबर फाइव, इस टाइम चाइना में ही 100+ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कार्स जो जिस तरह के जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे यहां पर कितने अवेलेबल है इस टाइम, आई थिंक 3, वहां पर 100+ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल बढ़ रही है, डे बाय डे इनमें एड हो रहा है। हर साल जितने भी इनका एक्सपो होता है उसमें तकरीबन 20-25 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। नंबर सिक्स, वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सेल है वर्ल्ड वाइड, उसका 35% सेल कहां हो रही है, इन चाइना। नंबर सेवन, अगर हम हाइब्रिड जो प्लग इन हाइब्रिड कारों का बात करें तो उसका जो शेयर है मोर देन 7% सिर्फ चाइना का ही उसमें शेयर आता है, उसका यूज करने में, उसकी सेल में, प्रोडक्शन में। नंबर एट, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, चाइना का जो ओवरऑल जो इनकी ग्रोथ है, जो सेल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, वो डबल है यूएसए से। आप समझ सकते हैं कि यूएसए से भी काफी आगे निकल चुके, मोर देन डबल इनकी सेल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चाइना में मोर अगेंस्ट यूएसए। नंबर नाइन, जो लिथियम आयन बैटरीज बनती है इनको, जहां पर भी बनती है, जो काफी बड़ा सेटअप होता है, इनको गीगा फैक्ट्रीज कहा जाता है दोस्तों, और वर्ल्ड की टॉप 2 गीगा फैक्ट्रीज चाइना की है, चाइना में ही है, टेस्ला का तीसरे नंबर पे आता है। दोस्तों आपने BYD का नाम सुना है, नहीं सुना होगा नंबर वन, BAIC का नाम सुना है, नहीं सुना होगा नंबर टू, टेस्ला का नंबर थ्री पे आता है, उसके बाद BMW का जो अच्छे कुछ वो नंबर फोर पर आ रही है। और दोस्तों इसके अलावा जो लास्ट में जो है, जितना भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, जितना प्रोडक्शन है लिथियम, जो भी उससे जुड़े पार्ट्स हैं, जो भी इनको इकोसिस्टम है, वो 100% चाइना खुद बना रहा है, कुछ भी उसका कोई पार्ट सिंगल पार्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, बल्कि इन चीजों को इंपोर्ट ही किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। यहां लास्ट थोड़ा सा मैं कंपेयर कर लेता हूं इंडिया के साथ, इंडिया सिर्फ 1% बना रहा है उसका जो रिलेटेड पार्ट्स है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, 99% इंपोर्ट हो रहा है, फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कारें महंगी है। चाइना का एक और टारगेट है 2025 तक इलेक्ट्रिकल कारों का जो प्राइस है, जो उनको कन्वेंशनल कारों से कम नीचे लाने का उनका टारगेट है। तो हम कह सकते हैं कि 2025 के बाद चाइना में कन्वेंशनल कारें खत्म हो जाएंगी। जब वो गाड़ी उनसे सस्ती है, उनसे बेटर परफॉर्मेंस, अच्छी रेंज मिलेगी, तो कोई उन गाड़ियों को क्यों खरीदेगा। बट इंडिया में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मजबूरी में हमें 2030 के बाद भी इन गाड़ियों को खरीदना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका अपना चैनल है, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।